उस माहौल को देखने का मौका मिला। कुछ अरसे के बाद जिस लाहौर जिस पंजाब का तारुफ दुल्ला भट्टी था, भगत सिंह था, फैज अहमद फैज, मेजर इसहाक, अजीजुद्दीन अहमद, जमील उमर, मंटो साहब, भाई रहमान साहब, आसमा, खतीजा गोहर, जिसकी मिसालें हमें सिंध में हसन नासिर के हवाले से, रजा छहना की बहादुरी के हवाले से, लाहौर किले में रकम की गई जुर्रत की दास्तानों के हवाले से, माल रोड पर, कचहरी चौक पर, रास्तों पर आमरियत को चैलेंज करने के हवाले से सुनाई जाती थी। आज जब उस शहर के रक्षाओं के पीछे सेक्युलरिज्म पर लानत भेजने वाले बैनर जमहूरत के बजाय खिलाफत का मुकाबला करने वाले बैनर पढ़ने का मौका मिला, तो दिल में जो बेचैनी और डिप्रेशन पैदा होने के इम्कान थे, यहां आपको हजारों की तादाद में देखकर, आपके जज्बों को देखकर, आपकी जुर्रत को देखकर, आपकी साबित करती को देखकर, मैं राशिद रहमान को बताना चाहता हूं कि राशिद रहमान के लोग सब मिलकर आपको कह रहे हैं कि हर दौर में हम, हर जमाने में हम सहर पीते रहे, ईद खाते रहे, जान देते रहे जिंदगी के लिए, साथ वस्त की सरखुशी के लिए, दीन और दुनिया की दौलत लुटाते रहे, फिक्र फाका का कोशा संभाले हुए जो भी रास्ता चुना उस पर चलते रहे, मार खाने हकार से तकते रहे, हाथ पलते रहे, तान करते रहे, हमने उनपे किया हर से हक संग दम, जिनकी हैबत से दुनिया नरसती रही, जिन पे आंसू बहाने को कोई न था, अपनी आंख उनके हम में बरसती रही। ये हमें ऑप्शन देते हैं हुक्मरान, आपको उस पंजाब को, पंजाब का एक तशख्स हमारे पास तो बुल्ले शाह है, वारिस शाह है, सुल्तान बाहू है, वो इनायत हुसैन भट्टी के गाने हैं कि जिंद आखा के जान सजना, शाला रवि जवान सजना, और क्यों दूर दूर रहते हो हुजूर मेरे कोलो, मेरे दस्ते खुदावंदा, ये तेरे साथ अपने बंदे की घर जाए,
इंतहाई फासले के साथ हमने वहां सिंध में, मैं आपको बता रहा हूं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूं, सिंध में किसी इंतहा पसंद की जरूरत नहीं है। वो सिंध के रास्तों पे आके किसी कांग्रेस, किसी जमहूरियत पसंद, किसी इंतहा दोस्त ताकतों को निशाना बनाए छुपके कार्रवाई वहां करते हैं। मगर यहाँ कादरी के वकालतनामे में सिग्नेचर करने के लिए कतारें लगी हुई है कि मैं बनूंगा उसका वकील। उस पंजाब को बेदार करना है आपको जो 83 में था, जो 80s में था, जो अर्ली 70s में था, जो उठ के खड़ा होता था। ये हमारे सीनियर दोस्त बैठे हैं, इन्होंने जितोजा देखी है। और वो तब होगा जब हम इन हालों में भी होंगे और हम छोटे छोटे शहरों में भी होंगे, हम छोटे छोटे देहातों में भी होंगे, हम गाँव में जाएंगे, गाँव के लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे और इनको बताना है। हुक्मरान को समझते हैं। मैं आपको दोबारा बात देना चाहता हूँ कि ये आपका मैसेज जा रहा है दुनिया में जाने कि आप और हम दे रहे हैं मैसेज उनको। मैं उनको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम सिंध में भी सियासत करेंगे, हम लाहौर में और पंजाब में आकर सियासतदान करेंगे। इन सियासी भाइयों के साथ हम रस्तों पर निकलेंगे, हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, ना इन्होंने हमें अकेला छोड़ा है ना उनको छोड़ेंगे। और हम उनको बता रहे हैं जो समझते हैं कि चंद लोगों को टारगेट करके एक एक करके वो हटाते जाएंगे, नहीं हटा सकेंगे। ये एक एक करके एक शख्स गिराएंगे, आप हिसाब कायम करेंगे, बंदे 50 और उनकी जगह लेंगे। ये कुर्सी एक खाली नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ 50 कुर्सियां भरी हुई होनी चाहिए थी। राशन सामान की जगह 50 और लोग मरने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, मरने के लिए। जब भी तेजी रहा हमें शामिल सतम ये मेरा कहना चाहिए, जब भी तेजी रहा हमें शामिल सतम हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हर से फसल दिल में किंदी रकम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही में हम। हम जो तारीख राहों में मारे गए ना रसाई अगर अपनी तकदीर की, तेरी उल्फत तो अपनी ही तकदीर थी। किसको शिकवा है दर शौक के सिलसिले हिजर की, कत्लगाहों से सच्चा मिले, कत्लगाहों से चुनकर हमारे आलम और निकलेंगे उस शाम के काफले, जिनकी राह तलब से हमारे कलम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चले जिनकी खातर जहांगीर हम जा दवा कर तेरी दिल भरी का भरम। ये मिसाल लेके चलनी है। और पंजाब के गांव गांव में पंजाब के हर डिवीजन में हुक्ला कहा है, मैं वकील हूं। मेरा दिल चाह रहा था कि आज हम हजारों में तादाद में हुक्ला होते, वो काला कोट होता जो काला कोट पहले आमरियत के खिलाफ लड़ा, वो काला कोट अब मैदान में होना चाहिए इंतहा पसंदी के खिलाफ, वो होना चाहिए आमरियत के साथ फासिज्म के खिलाफ होना चाहिए। काला कोट फकत इकदार में तब्दीली के लिए नहीं होना चाहिए, एक चाय और दूसरा है। काला कोट होना चाहिए इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की बालबस्ती के लिए, आइन की बालबस्ती के लिए, आर्टिकल 4, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 की बालबस्ती के लिए। मैं आपके पास से ये उम्मीद लेके आता हूं, इस उम्मीद पे जा रहा हूं कि मैं सिंध में सिंध के भाइयों के पास, कराची में, हैदराबाद में, उन सबको जाके बताऊंगा कि आज मैं एक नया पंजाब देख के आया, एक नया लाहौर देख के आया। और मुझे खुशी है कि जितनी तादाद में हमारे सीनियर दोस्त हैं उतनी ही तादाद में नौजवान है। मुझे अफसोस होता है, कल मैंने पूछा कि यहाँ जो लेफ्ट की पार्टीज हैं वो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स में काम करती है नहीं। मुझे बताया गया कि स्टूडेंट्स में अब उनका काम नहीं किया जाता। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बूथ में जाएं, आप बच्चों में जाएं, आप स्टूडेंट्स में जाएं, आप ये मिसाल कायम करें। एक नया पंजाब, टॉलरेंट पंजाब, रिलीजियस हार्मनी वाला पंजाब, एक मल्टीपल चॉइस देने वाला पंजाब, डायवर्सिटी वाला पंजाब, प्लूरलिज्म वाला पंजाब पाकिस्तान की तर्जमानी करेगा, पाकिस्तान को दूसरे सूबों के साथ मिलकर लीड करेगा। आज हम ये पैगाम दें। मैं आखिर में हमारे एक पंजाबी शायर भाई से उनके अल्फाज धारा उधार लेके आपसे इजाजत चाहूंगा कि 80 लाख नमाजा लीबिया, 80 सच दे कितने लख, 80 लाख नमाजा लीबिया, 80 सच दे कितने लख, कभी बढ़िया रीटियां रोलियां कभी गलियां के बिच तक, 80 मौसम कच्चे इश्क दे साड़ी खुब बड़े नक्शा